हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे रेसिमाइजेशन। लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने पहले से ही नोट्स यूज़ किया है। रेसिमाइजेशन का मतलब होता है, कोई कंपाउंड है बाय द वे जो इनेंसोमेरिकली प्योर है, कोई कंपाउंड है जो इनेंसोमेरिकली प्योर है। इनेंसोमेरिकली प्योर का मतलब क्या हो गया कि या तो डेक्स्ट्रो फॉर्म है या तो लिबो फॉर्म है, ठीक है, या तो डेक्स्ट्रो है या तो लिबो फॉर्म है। हमने मान लिया कि हमने एक वेसल में डेक्स्ट्रो फॉर्म लिया, एक कोई कंपाउंड का डेक्स्ट्रो फॉर्म लिया। ऑफ कोर्स डेक्स्ट्रो है केवल, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें ओएच माइनस दे दिया, ट्रेस अमाउंट ऑफ, काफ़ी कम अमाउंट ऑफ ओएच माइनस इसमें मिला दिया, थोड़ा देर छोड़ दिया। उसके बाद जब उसी वेसल से OH- माइनस मिलाने के बाद थोड़ा देर छोड़ दिया, फिर उसी वेसल से PPL पास कराया, तो PPL को ये रोटेट नहीं किया। एक्चुअली ये PPL को रोटेट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो डेक्स्ट्रो था इसका 50% लिवो में कन्वर्ट हो गया और 50% डेक्स्ट्रो ही रह गया। अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा, रेसमिक। मतलब ये जो इनेंसोमेरिकली प्योर था वो रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया, इस वजह से इसका ऑप्टिकली एक्टिविटी खत्म हो गया। मतलब रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है, कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर रेसमिक बन जाए तो हम बोलेंगे रेसिमाइज हो गया। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इनेंसोमेरिकली प्योर कंपाउंड डेक्स्ट्रो है। बाय द वे 100 मोलिकुल डेक्स्ट्रो है, इसका 50 मोलिकुल लिवो में कन्वर्ट हो गया, हम क्या बोलेंगे, रेसिमाइज हो गया। अगर 100 मोलिकुल लिवो था, इसका 50 मोलिकुल डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो गया, तो वेसल के अंदर क्या रह गया, 50 डेक्स्ट्रो और 50 लिवो, इसी को तो रेसमिक मिक्सर बोलते हैं। तो यही है रेसिमाइजेशन। टॉटोमेराइजेशन और रेसिमाइजेशन में क्या रिलेशन है, टॉटोमेराइजेशन के हेल्प से कैसे मोलिकुल रेसिमाइज हो जाता है, किस केस में रेसिमाइज हो जाता है, कब रेसिमाइज नहीं होगा, ये देखेंगे हम आज के लेक्चर में। एक कंपाउंड हमने लिया है, गौर करना, ETMEH, एक कार्बन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ एच है, इसमें ये कार्बन काइरल है, ये कार्बन काइरल है, और तुम जानते हो कि एक काइरल कार्बन किसी वेसल में है तो वो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव है बाय द वे, ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लिवो भी हो सकता है, वो तो डेटा से पता चलेगा। मान लिए हम कि ये डेक्स्ट्रो है, ठीक है। अब देखो, किसी वेसल में ये पड़ा हुआ है, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब इसमें ट्रेस ऑफ बेस, थोड़ा सा बेस का अमाउंट डाल दिए, बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ निकालेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ जाएगा, या ऐसे सोचो ये OH- को, ये OH- H+ को निकाला, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद ये लोन पेयर नीचे आया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, गौर करना, ये 3D था, sp3 कार्बन था, लेकिन जब H+ निकल के ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था तो ये sp2 कार्बन हो गया था, प्लेनर हो गया था, ये समझो ये कॉपी का प्लेन है। तो जब फिर से ये रेजोनेंस करके लोन पेयर नीचे और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे जब लोन पेयर बनेगा और यहाँ पे जब H आएगा, H+ कहाँ से आएगा, H+ सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट H2O है, H2O से H+ ये लेगा ये कार्बन निगेटिव चार्ज वाला, तो यहाँ पे H+ किधर से आएगा, ऊपर से, कॉपी के प्लेन के ऊपर से आएगा कि कॉपी के प्लेन के नीचे से आएगा, सोचो, दोनों पॉसिबिलिटी इक्वल है, ऊपर से आने का प्रोबेबिलिटी, नीचे से आने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो अब बताओ, H+ अगर ऊपर से आया तो H+ मतलब ये जो लोन पेयर है, यहां से H+ को निकाला, तो ये H+ ऊपर से आ सकता है, अगर ऊपर से आएगा तो ये कार्बन sp3 होने लगेगा और मिथाइल नीचे जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा। बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इसका लोन पेयर यहाँ से H+ नीचे से ले, कॉपी के प्लेन के नीचे से, तो नीचे से जब H+ लेगा तो ये मिथाइल धीरे धीरे जो कॉपी के प्लेन में धीरे धीरे ऊपर उठेगा, मतलब पेज पे मिथाइल और डैश पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ये सेक्शन प्लेनर होने के वजह से यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, H+ ऊपर से आए या नीचे से। अगर H+ नीचे से आया तब एज इट इज जो रिएक्टेंट था वही बन गया, और H+ अगर ऊपर से आएगा तो जो रिएक्टेंट था उसका इनेंसियोमर बन गया, नहीं मतलब इससे खुद बन गया और एक दूसरा क्या बना, इनेंसियोमर बन गया। इससे ये दोनों बनने का पॉसिबिलिटी 50-50%, तो ये बना तब तो रिएक्टेंट ही रह गया ना, प्रोडक्ट तो ये बना, मतलब धीरे धीरे ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होने लगेगा, एक टाइम आएगा कि इसका 50% इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये
और ये दोनों बन जाएगा, इसका 50% इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तुम बोलोगे सर 50% ही क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि इसका 60% इसमें कन्वर्ट हो जाए, 80% कन्वर्ट हो जाए। नहीं, धीरे धीरे जब ये इसमें कन्वर्ट होने लगेगा तो इससे भी ये बनने लगेगा, इसी पाथ से, इसी पाथ से। तो होगा क्या कि एक टाइम आएगा कि इससे ये बनने का रेट और इससे ये बनने का रेट सेम हो जाएगा, और वो कब होगा, जब 50% ये बच जाएगा और 50% ये बच जाएगा, मतलब 50% ये बच जाएगा और 50% ये बच जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कोई कंपाउंड और उसका इनेंसियोमर्स एक ही वेसल में 50-50% है, उसी को तो बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। मतलब इस वेसल में इस दोनों के बीच इक्विलिब्रियम आ जाएगा और ये दोनों 50-50% होगा, 50% डेक्स्ट्रो 50% लीबो, क्या हो गया, इसी को तो बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इनेंसियोमर्स का। और अगर ये 50% ये 50% बन गया उस समय क्या कहलाएगा ये मिक्सचर, रेसमिक। और ये 50-50% पे ही जाके रुकेगा, टाइम ले सकता है, कैटालिस रहेगा OH माइनस तो 10 मिनट में हो जाएगा, नहीं रहेगा तो हो सकता है 10 दिन लगे या हो सकता है 10 साल लगे, कैटालिस रहेगा तो जल्दी करवा देगा, रेसिमाइज हो जाएगा। अब तुम सोचोगे क्यों नहीं ये 60 हुआ सर, 60 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब ये इसमें जिस रेट से कन्वर्ट होगा, जैसे जैसे इससे ये शुरू में बहुत था, ये नहीं था, धीरे धीरे ये बनने लगा, इसका कंसंट्रेशन शुरू में कम था, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था, इसलिए फॉरवर्ड जाने का रेट, इधर जाने का रेट ज़्यादा था और इधर जाने का रेट कम था। एक टाइम आएगा जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन घटने लगेगा, इधर जाने का रेट भी, जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन घटने लगेगा इधर जाने का रेट भी घटेगा, इसका कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा इधर जाने का रेट भी बढ़ेगा। तो इसका कंसंट्रेशन शुरू में ज़्यादा था, इसका कंसंट्रेशन शुरू में कम था, तो इससे फॉरवर्ड जाने का रेट भी ज़्यादा था, बैकवर्ड आने का रेट भी कम था। तो बताओ धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा और फॉरवर्ड जाने का रेट ज़्यादा, तो ये धीरे धीरे कमेगा, इसका कंसंट्रेशन कम और बैकवर्ड आने का रेट भी कम है, तो ये इधर कम आ रहा है और ये इधर ज़्यादा जा रहा है, तो ये इधर कम आ रहा है और ये इधर ज़्यादा जा रहा है। सोचो ये इधर कम आ रहा है और इधर ज़्यादा जा रहा है। एक टाइम आएगा कि इसका कंसंट्रेशन घटते घटते 100 मोलेक्यूल अगर इसका है तो 50 रह जाएगा और 50 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से इसको हम समझाते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, फिर से हम इसको समझाते हैं, गौर करो। इसका तुम 100 100 मोलेक्यूल लिए हो, 100 नहीं, इसका बाय द वे रुको, इसका तुम लिए हो 1000 मोलेक्यूल, 1000 मोलेक्यूल लिए हो। हालांकि 1000 मोलेक्यूल काउंट करके नहीं लिया जा सकता, लेकिन समझाने के लिए, इसमें से 100 मोलेक्यूल इधर बढ़ा तो 50 ये बना, 100 मोलेक्यूल इधर बढ़ा तो यहाँ पे 50% चांस ये बनने का और ये बनने का, 50 ये बना और 50 ये बना। अब देखो ये 100 से कितना, 1000 से कितना हो गया, 900 हो गया। अब जरा गौर करो इस वेसल में कौन कौन है, 900 मोलेक्यूल इसका, 50 मोलेक्यूल इसका और 50 मोलेक्यूल इसका। अब तुम खुद सोचो, ये एक्चुअली एक ही वेसल में ये और ये दोनों तो सेम ही चीज़ है ना, तो ये दोनों को अलग अलग ना लिख के हम क्या लिख दें, इसको लिख देते, इसको दोनों को हटा देते हैं और इसको लिख देते हैं 950, 900 ये और 50 ये, दोनों तो सेम ही है, तो 950 मोलेक्यूल इसका और इसका कितना मोलेक्यूल, 50। मतलब ये कंपाउंड और इसका इनेंसियोमर्स, ये 950 और ये 50। अब जरा सोचो इसको इधर जाने का रेट ज़्यादा होगा या इससे ये बनने का रेट ज़्यादा होगा। अब सवाल है कि इससे ये कैसे बनेगा सर, बनेगा इससे भी ये बनेगा। सोचो बेस जो है OH माइनस, यहाँ से H प्लस निकालेगा, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ गया निगेटिव चार्ज, जब कम बैक होगा फिर से तो H प्लस ऊपर से भी जुड़ सकता है और नीचे से भी जुड़ सकता है, अगर ऊपर से जुड़ा तो यहीं बनेगा और नीचे से जुड़ा तो फिर कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इससे ये बनने बनेगा, इससे इसी के थ्रू ये बनेगा और इससे ये भी बनेगा, ठीक है, मतलब इससे ये भी बनेगा और इससे ये भी बनेगा। अब ये बच गया कितना, ये वाला मोलेकुल 950 बच गया और ये बच गया है 50। अब देखो होगा क्या, ये 50 चूंकि अमाउंट कम है तो बैकवर्ड जाने का रेट भी इसका कम होगा, और ये चूंकि 950 से ज़्यादा मोलेकुल है तो इसका फॉरवर्ड जाने का रेट भी ज़्यादा होगा, तो ये फॉरवर्ड ज़्यादा जा रहा है और ये बैकवर्ड कम आ रहा है। मतलब फॉरवर्ड जाने का रेट आर एफ ज़्यादा है आर बी से, फॉरवर्ड
फॉरवर्ड ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, बैकवर्ड कम आ रहा है, तो क्या एक टाइम आएगा कि जब फॉरवर्ड जा रहा है तो इसका कंसंट्रेशन कम होते जाएगा और इसका कंसंट्रेशन भी कम होगा इधर आने की वजह से, लेकिन ये जिस रेट से इधर आ रहा है ये उससे ज़्यादा रेट से इधर जा रहा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये धीरे धीरे घटता जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये दोनों फॉरवर्ड जाने का रेट और बैकवर्ड आने का रेट सेम हो जाएगा। वो कब होगा? जब इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन बराबर होगा। दोनों का कंसंट्रेशन बराबर का मतलब अगर वेसल कॉमन है, कॉमन वेसल में ही हो रहा है, तो दोनों का मोल भी सेम हुआ। कंसंट्रेशन सेम कब होगा? जब वॉल्यूम सेम है तो मोल भी सेम। मतलब इसका अगर 100 मोल था तो 50 मोल इसमें कन्वर्ट हो गया। अब बताओ 50 मोल इसका, 50 मोल इसका, क्या हो गया ये? या 1,000 मोल लिए थे तो 500 मोल इसका, 500 मोल इसका, या 1,000 मोलेकुल लिए थे तो 500 मोलेकुल इसका, 500 मोलेकुल इसका। एक ही वेसल में 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो, क्या ये रेशमिक बन गया? तो इस तरह से रेसिमाइजेशन होता है। मतलब किसी कंपाउंड में काइरल कार्बन हो और काइरल कार्बन का हाइड्रोजन, काइरल कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हो और वो टॉटोमराइजेशन में जाए, तो उसमें अगर बेस मिला दो स्मॉल अमाउंट में या एसिड मिला दो स्मॉल अमाउंट में, वो टॉटोमेराइज होके रेशमिक बना लेगा। हमने बोला है एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेराइजेशन भी होता है, जो आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंक्लूजन, कंक्लूजन ये हुआ कि अगर कोई कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसमें एक काइरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन वाले केस भी देखेंगे, अभी एक कायरल कार्बन वाला केस हम देख रहे हैं, उसमें एक कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन पे हाइड्रोजन है जो टॉटोमेराइजेशन में जा सकता है, तो बेस के प्रजेंस में या एसिड के प्रजेंस में टॉटोमेराइज होके रेसिमाइज हो जाएगा। टॉटोमेराइजेशन के थ्रू रेसिमाइज हो जाएगा। रेसिमाइज होने का मतलब अगर ये ऑप्टिकली एक्टिविटीज का लूज हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक हमने कंपाउंड लिया है, ये देखो ये कंपाउंड है, इसमें एक काइरल कार्बन है, लेकिन ध्यान देना ये जो काइरल कार्बन है, चार डिफरेंट ग्रुप है ना, ई टी एच एम एम ई और ये। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन टॉटोमराइजेशन में जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, हमने पहले पिछले लेक्चर में बताया है। यहाँ से एच प्लस निकलेगा, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इधर जाएगा, और इस तरह से ये केवल अल्फा पोजीशन वाला हाइड्रोजन ही टॉटोमराइजेशन में जाता है, ऐसा नहीं है, बीटा गामा गामा वाला भी जाता है टॉटोमराइजेशन में, अगर यहाँ से एच प्लस निकल के इसके साथ रेज, मतलब ये इतना दूर तक कंजुगेशन रहे तो। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बताया है, तो ये जाएगा टॉटोमराइजेशन में। तुम खुद सोचो अगर ये टॉटोमराइजेशन में जाएगा, ओ एच माइनस यहाँ से एच प्लस निकाला, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इधर आया, और फिर जब इधर जाएगा फिर यहाँ पे जब वाटर से एच प्लस लेगा तो फिर ऊपर से भी ले सकता है और नीचे से भी ले सकता है। नीचे से लिया एच प्लस तो ये खुद बन जाएगा, और ऊपर से लिया एच प्लस तो इसका क्या बन जाएगा? दूसरा कंपाउंड जो बनेगा वो कौन बनेगा? दूसरा कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा, नीचे से लिया एच प्लस तो ये खुद बन जाएगा, और ऊपर से एच प्लस लिया तो ऊपर से एच आ जाएगा और ये मिथाइल नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेनर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मिथाइल चला गया। कहने का मतलब ये जब एच प्लस निकलेगा, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इधर जाएगा, तो ये सेक्शन प्लेनर हो जाएगा। उसके बाद जब रेजोनेंस करके कम बैक होगा, तो वाटर से जब एच प्लस लेगा तो एच प्लस ऊपर से भी ले सकता है, नीचे से भी ले सकता है। नीचे से जब एच प्लस लेगा तो ये खुद बन जाएगा, ऊपर से एच प्लस लेगा तो ये बन जाएगा, और ये दोनों में देखो क्या रिलेशन है इस दोनों में, मतलब इससे ये बनेगा और धीरे धीरे इससे ये भी बनना शुरू होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि इस दोनों के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसका जब 50% इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उस समय आ जाएगा इक्विलिब्रियम, ये दोनों का मिक्सचर वेसल में रहेगा, और यही मिक्सचर क्या कहलाएगा? रेशमिक मिक्सचर कहलाएगा, रेशमिक मिक्सचर कहलाएगा। और इस दोनों के बीच रिलेशन क्या है? इनैन्सियोमर्स का रिलेशन है। गौर करो इस कंपाउंड में, इसमें बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन है जो टॉटोमेराइजेशन में जाएगा, बट काइरल कार्बन ये है, काइरल कार्बन का हाइड्रोजन टॉटोमेराइजेशन में नहीं जाएगा। जब ये टॉटोमेराइजेशन में नहीं जाएगा तो ये हाइड्रोजन ऊपर नीचे नहीं होगा ना, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, और इसके टॉटोमेराइजेशन में जाने से इसके कायरलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसका कॉन्फिगरेशन नहीं बदलने वाला है। यहाँ टॉटोमेराइजेशन तो होगा बट रेसिमाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन टॉटोमेराइजेशन में नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नो रेसिमाइजेशन। यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ भी टॉटोमेराइजेशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ये हाइड्रोजन जाएगा टॉटोमेराइजेशन में, ये भी जाएगा टॉटो, दोनों में से कोई भी जा सकता है टॉटोमेराइजेशन में, लेकिन इसमें काइरल कार्बन ही नहीं है तो रेसिमाइजेशन का सवाल ही नहीं है। नया इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट में अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया तब।
ये कंपाउंड है जिसमें दो कायरल कार्बन है, इनफैक्ट दो नहीं, एक से ज्यादा कायरल कार्बन के केस में इस तरह से सोचेंगे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, अब दो कायरल कार्बन है, यहां भी हाइड्रोजन है, इस कायरल कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, बट ये दोनों हाइड्रोजन में से ये वाला हाइड्रोजन टॉटोमराइजेशन में जाएगा, क्योंकि कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में ये हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमराइजेशन में जाएगा, ये टॉटोमराइजेशन में नहीं जाएगा। इमेजिन करो इसका कुछ कॉन्फिगेशन है, चलो इसका कॉन्फिगेशन क्या है हम लिख देते हैं कॉन्फिगेशन, तो कॉन्फिगेशन इसका हो जाएगा एक एक दो तीन एस हो जाएगा, इसका कॉन्फिगेशन एस है, और इसका कॉन्फिगेशन क्या होगा, इसका कॉन्फिगेशन होगा एक दो तीन, एक दो तीन, इसका कॉन्फिगेशन आर है, तुम खुद सोचो ये एस है और ये आर है, जब ये टॉटोमराइजेशन में जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जब टॉटोमराइजेशन में जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज जो कम बैक होगा, तो ये हाइड्रोजन ऊपर से जुड़ सकता है और नीचे से जुड़ सकता है, जब ऊपर से जुड़ेगा तब तो ये खुद बन जाएगा, जो है वहीं बन जाएगा, और जब नीचे से जुड़ेगा यहाँ हाइड्रोजन, जब ये प्लेनर होगा और जब हाइड्रोजन नीचे से जुड़ेगा वाटर से, तो कहने का मतलब ये एच प्लस निकला, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इधर गया, जब इधर ये प्लेनर हो गया, अभी जब कम बैक करेगा लोन पेयर और यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ हाइड्रोजन ऊपर से जुड़ेगा, तो जो जैसा था वैसा ही बन जाएगा, और अगर हाइड्रोजन नीचे से जुड़ा, हाइड्रोजन मतलब वाटर वाला हाइड्रोजन एच प्लस नीचे से जुड़ेगा तो ये मिथाइल ऊपर उठेगा, ये बन जाएगा, तो ये तो पहले वाला ही कंपाउंड बना और ये बना न्यू कंपाउंड, ये बना न्यू कंपाउंड। अब सवाल है ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गया, ये दोनों में क्या इनेंसियोमर्स है या डायस्टेरियोमर्स, गौर करना ये दोनों इनेंसियोमर्स नहीं है, ये दोनों डायस्टेरियोमर्स है, कैसे, ये तो एस था तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक करो सेम रह गया, इस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, ये ना हाइड्रोजन नीचे और मिथाइल ऊपर हो गया, तो इस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन आर था, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तुम चेक भी कर सकते हो, ऐसे तुम जानते हो कि अगर एक इंटरचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, तो एस आर और एस एस में क्या रिलेशन है, इनेंसियोमर्स का या डायस्टेरियोमर्स का, डायस्टेरियोमर्स का रिलेशन, इनेंसियोमर्स कब होता, जब ये एस आर था तो ये भी बदलता, ये आर से एस तो हो गया है बट ये एस से एस ही रह गया है, आर नहीं हुआ है, अगर ये आर से एस हुआ और ये एस से आर हो जाता तब बोलते ये दोनों इनेंसियोमर्स हो गया, इनेंसियोमेरिक पेयर है, बट अभी ये दोनों क्या है, डायस्टेरियोमेरिक पेयर है, समझो टॉटोमेराइजेशन के थ्रू जो रेसिमाइजेशन होता है, तो टॉटोमेराइजेशन से रेसिमाइजेशन इस केस में होगा, टॉटोमेराइजेशन से रेसिमाइजेशन इस केस में नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा, इस केस में टॉटोमेराइजेशन के थ्रू रेसिमाइजेशन नहीं होगा, डायस्टेरियोमेरिक पेयर बनेगा या इसका डायस्टेरियोमर बनेगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं टॉटोमेराइजेशन हो रहा है तो रेसिमाइजेशन भी हो, रेसिमाइजेशन होने के लिए एक कायरल कार्बन रहेगा और एक कायरल कार्बन रहेगा और उसका हाइड्रोजन रेजोनेंस में जाएगा तो रेसिमाइज सॉरी एक कायरल कार्बन रहेगा और उसका हाइड्रोजन टॉटोमेराइजेशन में जाएगा तो रेसिमाइजेशन होगा, कायरल कार्बन है बट उसका हाइड्रोजन टॉटोमेराइजेशन में नहीं जा रहा तो नो रेसिमाइजेशन, कायरल कार्बन है मल्टीपल कायरल कार्बन है, एक से ज़्यादा है, दो कायरल कार्बन है और उसमें एक ही का हाइड्रोजन टॉटोमराइजेशन में जा रहा है, मतलब इस केस में क्या होगा, रेसिमाइजेशन नहीं होगा, इसका डायस्टेरियोमर बनेगा। सोचो एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं तुम्हारे पास, क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ भी कार्बोनाइल बना देते, यहाँ भी सी सी के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा देते, और तब ये वाला हाइड्रोजन भी टॉटोमराइजेशन में जाता, इधर हम इधर इधर H लिख देते और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा देते तो ये भी टॉटोमराइजेशन में जाता, उस केस में इसका कितना कंपाउंड बनता, कहने का मतलब अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड O लगा दें, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, और इधर H लगा दें इस केस में, इस कंपाउंड में OH माइनस दे दें, तो बताओ इसका कितना स्टेरियो आइसोमर बनेगा, तुम खुद सोचो, इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, बता ही देते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, कितना पॉसिबिलिटी है, इसका कॉन्फ़िगरेशन R और S है, अगले में क्या ये भी S हो जाए, ये R हो जाए, नहीं ये R हो जाए और ये S हो जाए, ये भी हो सकता है कि ये S है ना, देखो टॉटोमेराइजेशन करके इस दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल सकता है, तो ये R से S हो जाए और ये S से R हो जाए, ठीक है, ये एक हो गया, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन बदले और इसका नहीं बदले, इसका कॉन्फ़िगरेशन बदले और इसका नहीं बदले, देखो इसमें दो कायरल कार्बन था, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, एक का बदला एक का नहीं बदला, एक का बदला एक का नहीं बदला, यही चार पॉसिबिलिटी है, तो अगर इस किसी वेसल में ये कंपाउंड रखते हो उसमें OH माइनस देते हो ट्रेस ऑफ OH माइनस,
तो क्या हो जाएगा, इसका तीन और आइसोमर बन जाएगा। ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट ठीक है, एडवांस का प्रिपरेशन के लिए इतना तो बनता ही है। हालांकि नीट में एक कायरल कार्बन बहुत है, एक से ज़्यादा की बात नहीं करेगा रेसिमाइजेशन में। ठीक है, अब देखो क्या इसमें क्या बोलेंगे कि ये रेसिमाइज हो जाएगा, रेसिमाइज नहीं बोलेंगे। रेसिमाइज तब बोलते हैं जब एस आर और आर एस, केवल ये बनता तब, लेकिन ये सब भी बनेगा। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि रेसिमाइज हुआ। लेकिन एक चीज़ पक्का है, दो रेसमिक, दो तरह का रेसमिक मिक्सचर है इसमें। ज़रा गौर करो, एस आर और आर एस, ये दोनों मिलके एक रेसमिक बनेगा। रेसमिक बना ना, एस आर और आर एस, और ये दोनों भी आपस में, ये दो डिफरेंट कंपाउंड है ना, ये दोनों भी आपस में क्या है, इनेंसियोमेरिक पेयर है, तो ये भी रेसमिक बना। मतलब दो तरह का रेसमिक मिक्सचर मिक्स्ड है। तो ऑफ कोर्स ये जो भी बनेगा, जो भी मतलब किसी भेसल में ये कंपाउंड रखे हो, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन इसमें बेस मिला दोगे तो ये चारों बन जाएगा, और चारों मिक्स्ड होने के बाद ये इनएक्टिव ही हो जाएगा। ये दोनों का मिक्सचर ये दोनों का मिक्सचर रेसमिक, और इस दोनों का मिक्सचर रेसमिक। और तुम जब इसको डिटेल में देखोगे तो पता ये चलेगा, इसका बनने का प्रोबेबिलिटी उतना ही, इसका बनने का प्रोबेबिलिटी उतना ही, इसका भी बनने का प्रोबेबिलिटी उतना ही। तो जितना अमाउंट इसका बनेगा, बाय द वे इसका 100 मॉलिक्यूल था, तो 25 इसका रह जाएगा, 25 इसका बन जाएगा, 25 इसका बन जाएगा, 25 इसका बन जाएगा। ये दोनों मिलकर रेसमिक बन गया, ये दोनों बन मिलकर रेसमिक बन गया। तो इस दोनों मिलकर ऑप्टिकली, और इस दोनों मिलके, ये दोनों को मिलने के कारण ऑप्टिकली एक्टिविटी खत्म हुआ, इस दोनों के कारण भी ऑप्टिकली एक्टिविटी खत्म हुआ। ओवरऑल मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि रेसमिक मिक्सचर है। रेसमिक मिक्सचर में जनरली दो होता है, एक डेक्स्ट्रो और एक लिपो। यहाँ पे दो रेसमिक मिक्सचर का मिक्सचर है ये एक्चुअली में। मतलब इसमें जब ओएच माइनस देंगे तो दो रेसमिक मिक्सचर का मिक्सचर बनेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलने के पहले क्वेश्चंस लिखते हैं, और इस क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, एक कंपाउंड है, इसका एक कायरल कार्बन है, ठीक है, और इसके बगल में सी डबल बॉन्ड, ऑफ कोर्स ये जो हाइड्रोजन है ये टॉटोमराइजेशन में जाएगा। इसको ये जिस भी वेसल में पड़ा हुआ है उसमें हम ट्रेस ऑफ बेस, ट्रेस ऑफ ओएच माइनस देते हैं, और वाटर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जनरली, जनरली क्या सॉल्वेंट एक्सेस में ही होता है, तो वाटर दिए हैं और बेस के ओ एच या एन ओ एच थोड़ा सा अमाउंट में, ऐसा चीज़ जो ओ एच माइनस प्रोड्यूस करे वो दिए हैं, काफ़ी थोड़ा अमाउंट में। इसी तरह से फिर दूसरे वेसल में ये कंपाउंड रखे हैं, उसमें ओ डी माइनस और डी टू ओ दिए हैं, तीसरे वेसल में ओ एच माइनस डी टू ओ, चौथे वेसल में ये कंपाउंड ओ डी माइनस और एस टू ओ, एस टू ओ एक्सेस है, डी टू ओ एक्सेस है, डी टू ओ एक्सेस, एस टू ओ एक्सेस है, ऑफकोर्स सॉल्वेंट है तो एक्सेस ही होगा। अब हमने पूछा है कि इससे कोई कीटो कंपाउंड बनेगा, तुमको ये नहीं बताना है कि इसको इनॉल बना देना है केवल। हम पूछे हैं कि इनॉल, नहीं इनॉल तो बनेगा, वो तो बहुत कम बनेगा, क्या इसके हेल्प से ये कीटो, ये जो कीटोन है क्या कोई और कीटो कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, वो होगा तो कौन कीटो होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। क्या ओ डी माइनस और डी टू ओ देंगे तो ये किसी दूसरे कीटो कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, होगा तो कौन होगा, होगा तो कौन होगा, होगा तो कौन होगा। यही क्वेश्चन के साथ हम अगला लेक्चर में आएंगे। हम इस लेक्चर में हमने सबको पहले से ही लिख लिया था, लिखने का वजह ये था क्योंकि ये लेक्चर फिर काफ़ी लंबा हो जाता। जहाँ भी तुमको दिक्कत हो समझने में, फिर से लेक्चर को एक बार देखने के बाद दोबारा देखो, तिबारा देखो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टफ ये चीज़ें हैं, बट कंसंट्रेट होकर देखोगे समझ आएगा। ठीक है, अब अभी के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।